एवरीवन, वेलकम टू निशीज फूड वर्ल्ड। तो आज हम बनाएंगे दाल मखनी। तो दाल मखनी बनाने की हम फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए, दाल मखनी के लिए ये काली उड़द की दाल है हमारी। 200 ग्राम यहाँ पे मैंने दाल ली है और 200 ग्राम दाल के साथ आपका यहाँ पे 5 नॉर्मल साइज का टमाटर मैंने लिया हुआ है और आपके थोड़ी ज्यादा बटर जाती है, करीब 150 से 200 ग्राम तक बटर जाती है। तो चलिए हम अपने दाल को वॉश कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसे पानी डाल दिया है, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। और अभी आप देख रहे हैं पानी एकदम साफ नजर आ रहा है। अब इसको हम अच्छे से लेके ऐसे ऐसे करके रब करके हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे धीरे धीरे, और 2 से 3 पानी से हमको हमें इसे अच्छे से वॉश करना है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर जो भी कलर होता है वो आपका अच्छे से निकल जाता है और आपका दाल भी काफी बढ़िया और टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज होता जा रहा है। ये देखिए, वॉश करते करते पानी का रंग एकदम चेंज हो गया है। अभी पानी हम हटा देंगे और फिर इसमें दूसरा पानी डाल देंगे। इसमें जो सुंदर सा कलर आता है, वो ब्यूटीफुल कलर आने के लिए इसको अच्छे से वॉश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से ऐसे ही वॉश करिएगा 2 से 3 पानी से। तो हम इस पानी को निकाल के दूसरा पानी यहाँ पर डाल के वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, सेकेंड टाइम मैं वॉश कर रही हूँ और आप पानी का कलर देख सकते हैं कैसा ब्लैक ब्लैक सा होता जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत क्रूशियल स्टेप है, तो आप जरूर इसको फॉलो करिएगा तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब इसको 2 पानी से मैंने वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे मैं राजमा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे करीब 1/2 बोल राजमा मैंने ऐड किया है। राजमा टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है राजमा तो आप राजमा को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब एक पानी से हम इसको और वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हम इसको 6 से 7 आंच के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे दाल, हमने जो दाल और राजमे को भिगाया था करीब घंटे के लिए, भीग चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकर में मैंने डाल दिया है, उसके ऊपर पानी भी ठीक से ही डाला है। अगर आपका जैसे 150 ग्राम दाल था, थोड़ा सा हाफ बोल आपका राजमा था, तो वहां पे करीब 2 ग्लास यहाँ पे मैंने पानी डाला है। और आप ये देख रहे होंगे कि व्हाइट व्हाइट फेन जैसा आ रहा है, तो भी यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस ये जो व्हाइट व्हाइट आ रहा है हम इसको निकाल के आप एक एक यहाँ पे इसको फेंक दोगे। पहले के समय में जब दाल बनती थी तो ऐसे ही निकाल दिया जाता था। कहते हैं कि इससे जो दाल में जो भी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है हमारी दाल। अभी मैंने फेन आपने देखा, मैंने ऊपर से निकाल दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी दालचीनी, आप ये देख सकते हैं, दालचीनी डाल दूंगी मैं और एक बड़ी इलायची, इसको हम डाल देंगे। और कुछ भी नहीं गया है यहाँ पे आपका, नमक आप बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि आप नमक डालेंगे तो जो स्मूथ टेक्सचर हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नमक नहीं जाता है, वो आपके दाल को प्रॉपरली अच्छे से वो कड़ा नहीं पकने देता, कड़ा कड़ा कर देता है। बस यहाँ पे कुकर को मैंने बंद कर दिया है और 2 से 3 सीटी आने तक हम इसको यहाँ पे पका लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है। यहाँ पे 100 ग्राम बटर के मैंने डाले हैं, या आपको जो भी बटर पसंद था आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 2 चम्मच यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में मैंने लहसुन के काट लिए हैं, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। और बटर आपको अगर अनसॉल्टेड बटर मिल जाता है तो वो ज्यादा बढ़िया होगा, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप सॉल्टेड बटर में भी बना सकते हैं। अब इसको 2 बार हमने चला लिया लहसुन को। अब हम 5 टमाटो जो हमने लिया था टमाटर, उसका मैंने प्योरे कर लिया है, सिंपल उसको मिक्सी में डाल के चला लिया है।
अब हम इसको भूनेंगे थोड़ा, लगभग 5 से 7 मिनट तक हमको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। और यहीं पे हम 1 स्पून, आप देख सकते हैं 1 स्पून यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया। अब 5 से 7 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो लगभग 5 मिनट हमने यहाँ पे लो फ्लेम पे देखिए पका लिया। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है। अब इस स्टेज पे हमारी दाल भी हो गई है। अब ये देखिए दाल, ये देखिए दाल भी हो गई है। अब सारी दाल को हम इसमें पोर कर देंगे। तो सारी दाल को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और फिर इसको हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकने देंगे करीब आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक। और यहाँ पे जो हमारा मसाला में डाला था हम उसको निकाल देंगे। अभी मैंने सारी दाल यहाँ पे ऐड कर दी है। अब इसको धीरे धीरे हम ऐसे घोटना होता है हमें, तो हर 10 से 15 मिनट पे आप इसको खोल लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आधे घंटे से 45 मिनट तक आपकी मीडियम फ्लेम पे पकनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकनी है ये आपकी। तो इसको हल्का हल्का आप घोटते रहोगे। तो अब हम इसको ढक के छोड़ देते हैं। अब इसको पकाते हुए करीब आधा घंटा हो गया है, आप ये देख सकते हैं। बीच बीच में इसको खोल खोल के मैं हल्का सा घोट रही थी। और यहाँ पे हम नमक ऐड कर देंगे। और ऐसे ही हम इसको ऐसे ऐसे घोटना है। अब यहाँ पे हम बटर थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। बटर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, वैसे तो इसमें बटर ज्यादा बढ़ता है। बस मुश्किल से 5 मिनट हम इसको और पका लेंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए दाल मखनी बन के रेडी हो गई है। कितना बढ़िया लग रहा है, मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो आप भी ऐसे ही बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। इसको आप नान के साथ खाइए, इसको आप जीरा राइस के साथ खाइए, जैसे भी खाइए, बट ये बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ प्लीज शेयर करिए। और अगर पसंद आए देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।